तो कैसे हाल चाल है मेरे प्यारे भाई लोग और मेरे प्यारे बहन लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एविल गेमिंग पर। तो आज हम स्पेशली टाउन हॉल 11 के अंदर एक मस्त पावरफुल हाइब्रिड अटैक करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा मजेदार थ्री स्टार अटैक आपको पहले पाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले हमने क्वीन को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उसके साइड में और एक लून को छोड़ दिया, फिर हमने क्वीन के पीछे सारे के सारे हिलर और राइट साइड में बेबी ड्रैगन और लेफ्ट साइड में और एक बेबी ड्रैगन छोड़ दिया, क्योंकि एनिमी के जो डिफेंस है वो लून और बेबी ड्रैगन को टारगेट करेगा और क्वीन जो हमारा है ठीक से फनल करेगा। फिर हमने एक वॉल ब्रेकर को छोड़ दिया वॉल को तोड़ने के लिए, क्योंकि क्वीन जो हमारा अंदर आ सके। तो गाइस देख रहे हो, क्वीन जो हमारा है बहुत अच्छे तरीके से फनल क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमें क्वीन और हिलर के ऊपर एक रेज स्पेल और एनिमी के सीसी के ऊपर एक पॉइजन स्पेल दे दिया। क्वीन का एबिलिटी यूज हो गया, बट कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वीन के पीछे सारे के सारे हिलर अभी तक जिंदा है। तो गाइस देख रहे हो, क्वीन जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से एनिमी का ड्रैगन को मार रहा है। तो गाइस उसके बाद हमने और एक वॉल ब्रेकर को छोड़ दिया, क्योंकि क्वीन जो हमारा है वो अंदर आ सके। तो गाइस देख रहे हो, क्वीन जो हमारा है वो अकेला 26% निकल लिया। तो गाइस उसके बाद हमने कोने में किंग और एसबी को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि किंग जो हमारा है वो ठीक से कोना क्लियर करके आ सके। फिर उसके बाद हमने मिडिल में सारे के सारे माइनर और सारे के सारे होक को छोड़ दिया और उसके पीछे वार्डन को भी ड्रॉप कर दिया। तो गाइस हमारा होक और माइनर जो है बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस को तोड़ के आ रहा है। उसके बाद हमने इन्फेर्नो और विजेटर के ऊपर एक फ्रीज स्पेल दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो गाइस उसके बाद हमने होक और माइनर के ऊपर और एक हिल स्पेल दे दिया, क्योंकि वही पे दो एक्सबो और एक कैनन बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है। तो गाइस उसके बाद हमने होक के ऊपर एक रेज और वार्डन का अर्ली एबिलिटी दे दिया, क्योंकि रेज के मदद से होक जल्दी से जल्दी काम कर सके और वार्डन के मदद से उसका हेल्थ स्टील रह सके। उसके बाद हमने होक के ऊपर और एक हिल स्पेल दे दिया, क्योंकि वही पे दो बॉम्ब टावर है। तो गाइस इस बेस के अंदर ज्यादातर बिल्डिंग बचा नहीं है, तो इजीली थ्री स्टार निकल जाएंगे और हमारा पास और एक हिल स्पेल अभी तक बचा हुआ है। अगर आप लोगों को टाउन हॉल 11 के अंदर होक माइनर अटैक करना अच्छा लगता है, तो आप लोग भी ये अटैक ट्राई कर सकते हो किसी भी ऑयर और सीडब्ल्यूएल के लिए। तो गाइस हमने बचे हुए हिल स्पेल को स्वैप कर दिया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने ऐसा मजेदार थ्री स्टार अटैक लेते रहते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।